पता नहीं कौन सा अमृत पी के आया है लड़का, हर बार बच जाता है, मरता ही नहीं। बहुत दुख रहा है। मुझे घर वापस जाना पड़ेगा शक्ति के पास। उसे बताना पड़ेगा मुझे चोट लगी है, मैं दवाई लगानी पड़ेगी। कोई मेरी हेल्प भी नहीं कर रहा है। मैं वापस जा रहा हूँ। नो 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 टाइगर, अगर शिव घर वापस आया ना तो मैं बता रही हूँ, मैं तुम्हें पिंजरे में बंद कर दूंगी। शिव घर वापस नहीं आना चाहिए, समझे? यस मैम, रोकता हूँ। नहीं नहीं, मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। शक्ति के लिए मुझे थोड़ा पेन तो लेना पड़ेगा ना। शक्ति अपना गिफ्ट देखेगी तो कितना खुश होगी। वो तो मेरी वाइफ है ना, उसके लिए गिफ्ट के लिए पेन तो लेना पड़ेगा। कभी कभी खोटा सिक्का भी किसी ना किसी के काम आ जाता है। शिव का पागलपन मेरे काम आ गया, ये खुद चलकर मेरे जाल में फंसने वाला है। अच्छा सुनो, शिव को अपने नजर के सामने रखना, वो एक पल के लिए भी तुम्हारे नजर से ओझल नहीं होना चाहिए। पीछा करो उसका। ये आम शिव शक्ति के लिए बहुत खास होना चाहिए। ये बेटा काम हो जाएगा। शक्ति, ये हम बाहर से सीसीटीवी फुटेज लेके आए। एक सेकेंड, ती इसे थोड़ा पीछे कीजिए। इनके साथ तो मम्मी जी भी नहीं है। ये तो काफी सोच समझ के जा रहा है, जैसे किसी काम से जा रहा हो। लेकिन पापा जी, डॉक्टर शिव ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा क्या कारण हो सकता है जिसकी वजह से डॉक्टर शिव को घर के बाहर जाना पड़ा? उन्होंने आज तक ऐसा नहीं किया, हमें बिना बताए वो कहीं नहीं गए। राज, ऐसा क्या हो गया? दुनिया गोल है और आपके हर पाप पर डबल रोल है। सच सच बताइए भाभी, ये सारा कुछ आपका किया था ना? सबको यही लगता है कि ये सब कुछ मैंने किया है। अरे मुझे मेरी बेटे की चिंता है, उसकी परवाह है मुझे। इनकी गलती भी तो नहीं है, मेरे कर्म ही ऐसे हैं कि मैं अब सच भी बोलूं तो सबको झूठ ही लगता है। दुश्मन हूं ना मैं इसका। इस घर में जो भी बुरा होता है वो सब तो मैंने ही किया होता है। सब मैंने ही किया होता। कोयल जी, हमारे साथ चाय पीने के लिए थैंक यू। पता नहीं क्यों आज तक चाय में इतना स्वाद नहीं आया कभी, ना ही कभी वो इतनी मीठी लगी। पर इस बार ऐसा लग रहा था कि कपड़ी वाले ने चाय में कुछ खास मसाला डाल दिया है। अच्छा? हाँ, वैसे हमको पता है इस चाय की सबसे बड़ी स्पेशलिटी क्या थी। क्या है? आपकी कंपनी।
कोयल जी मसाला चाय। अगली बार आपके फेवरेट कॉफी शॉप चलेंगे कॉफी पीने। तुम लोग वहाँ कोयल फ्लेवर्ड कॉफी लेंगे। आई थिंक तुम्हें वो जगह बहुत पसंद आएगी। यू विल लव इट। हाँ लव तो करेंगे ही। व्हाट? हाँ मतलब कॉफी से। क्यों? किसी और से भी करना है क्या? तुम्हारी तुम जानो। मुझे क्या पता? राम, मेरा धर्म। हमारी माँ इस फोन में कैसे घुस गई? क्या आपको भी सुनाई दे रहा है क्या? वो हमें जोर जोर से चीख चीख के बुला रही है। हाँ ऐसे बुला रही है जैसे युद्ध ध्वज कर रही हो। क्या? राम, मेरा धर्म। हाँ माँ आया। अगर इस घर में कोई प्रॉब्लम का रूट कॉज है ना तो वो है दिस लेडी, मिस्टर पहलवान की मॉम। शक्ति के अंदर फाइस्टी स्पिरिट्स डालने वाली भी यही है। मॉम के लिए इश्यूज क्रिएट करने वाली, उसे आगे बढ़ाने वाली भी यही है। और अब बेचारे पहलवान की जो बैंड बजाने वाली वो भी यही है। ओह गॉड दिस लेडी। हमें लगता है कि हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि डॉक्टर शिव घर से गायब है। अब वही हमारी मदद कर सकते हैं। मैं शक्ति को आम दूंगा, गिफ्ट दूंगा, तो बहुत खुश हो जाएगी। वाव, इतने बड़े बड़े आम। बहुत हाइट पे है। ये बोले ना मैं जम कर रहा हूं, मुझे सेव कर लेना। ओके 1 2 3। अब पुलिस ही बताएगी कि कौन सच बोल रहा था और कौन झूठ। कि डॉक्टर शिव को किसने गायब किया? डॉक्टर शिव जहां भी हो पुलिस उन्हें ढूंढी लेगी। और ये किसकी साजिश थी ना ये भी बता देगी। जब पुलिस के डंडे पड़ते हैं तो अच्छे अच्छों के मुंह खुल जाते हैं। चुपचाप ध्यान से सुनो, अगर अपने पति की सलामती चाहती हो तो शिव को ढूंढना बंद करो। और हाँ अपने घर वालों को बता देना कि शिव सेफ है, वरना पहले तुम्हारे घर शिव की लाश भेजूंगा, उसके बाद पुलिस। समझ आई? जी जी चाची जी, हम ठीक हैं। वो सब बहुत डर गए थे, किसी के दिमाग में ही नहीं आया कि डॉक्टर शिव यहाँ से निकलकर आपके पास आ गए होंगे। आप उन्हें वहीं रखिए, हम आके उन्हें ले जाएंगे। डॉक्टर शिव चाची के घर पे। भोलेनाथ जी, आपकी बहुत बहुत कृपा है जो हमारा शिव ठीक है। कमाल है ये लड़का भी। हम यहाँ उसके लिए इतना परेशान हो रहे हैं और वो वहाँ सास के हाथ के गरम गरम पकवान खा रहा है। आराम करने जा रहे हैं। हाँ आ जा बेटा,
शक्ति बेटा जरा मेरे कमरे में तो आना। हवा धर्म, ओ तू अपने दोस्तों से मिलने गया था नहीं? हाँ, यही चौक पे तो गए थे अपनी नौकरी का सेटिंग करने के लिए। हाँ। पक्का उधर गए थे? अरे 100%। क्या क्या झूठ बोला तू उनसे? तू उस कागड़ी को लेकर वहाँ चाय पीने गया था। पंडित जी ने कहा था कि तू उधर गया उस नागिन के बेटे के साथ, पर मैंने कहा नहीं, अरे वो ही नहीं सकता। मनोरमा का बेटा मनोरमा से कभी झूठ नहीं बोल सकता। दुनिया इधर की उधर हो जाए, गंगा का पानी सूख सकता है, पर मनोरमा का बेटा कभी झूठ बोल ही नहीं सकता। गलत थी मनोरमा, बिल्कुल गलत थी। तू नालायक उस नागिन की बेटी के रंग में रंग गया, टोटल रंग गया। ए सोमनाथ जी, इसी दिन के लिए इस मुस्तंडे को पाल पोस के बड़ा किया था। 9 दिन मिला है उस लड़की से और वो तुझे इस माँ से ज्यादा प्यारी लगने लगी जिससे तुझे 9-9 महीना अपने कोख में रखा है। नहीं सोमनाथ जी, कह दे एक बार कि ये सब झूठ है। कह दे बेटा, कह दे। सच है? ये ऊपर वाले दुनिया के रखवाले ये मेरे नालायक बेटे के कर्म हो गए काले। उठा ले मुझे भगवान, अब तो उठा ले। ए, देख रहे पंडित जी इसको? मैंने क्या कहा था तुझे, जाके अपनी बहनों की सुरक्षा कर। मैंने तुझे अपनी बहनों की रक्षा की जिम्मेदारी दी थी और तूने उस नागिन की बेटी की जिम्मेदारी ले ली। मैंने तुझे रक्षा बंधन का फर्ज निभाने के लिए भेजा था और तू तो वैलेंटाइन डे मना के आया। इस तरह से अगर माँ को सब पता चल गया तो हमारी लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। क्या किया आपने? वो आदमी कौन था? डॉक्टर शिव कहाँ है? शक्ति बेटा, मैं जानती हूँ तुम शिव को कितना मिस कर रही। तुम्हारी जान बसती है ना उसमें? अगर शिव को कुछ हो जाता है तो तुम तो मर ही जाओगी। इसलिए तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने शिव पर नजर रखी है। देखना चाहोगी? इतने सारे आम, so many। शक्ति तो बहुत हैप्पी हो जाएगी, तो सारे तोड़ूंगा। लगता है यह डॉगी भी है। तो मुझे क्या करना है डॉगी से, मैं तो आम तोड़ने आया हूँ। डॉक्टर शिव ये आप क्या कर रहे हैं? अरे गलत सवाल, बिल्कुल गलत सवाल। सवाल तो ये होना चाहिए कि खतरनाक कुत्ते यहाँ क्या कर रहे हैं? शिव के हाथ पैरों में अपने दांत गड़ाने के लिए तो नहीं उतावले हो रहे? मेरे एक इशारे से टाइगर इन कुत्तों को शिव के पीछे छोड़ देगा और वो उससे नोच खाएंगे। फिर शिव 100-100 ग्राम के पैकेट में घर वापस आएगा।
क्या कहती हो? छोड़ दो कुत्तों को। ये ना, ये बहुत ही खतरनाक कुत्ते हैं, सिक्योरिटी गार्ड वाले कुत्ते। इन्हें तो स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है सिर्फ काटने के लिए। वैसे अगर इन्होंने शिव पे अटैक भी कर दिया ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लोग कहेंगे कि एक पागल आदमी आम के बगीचे में आम चुराने चला गया और कुत्तों ने उसे काट के खा लिया। छोड़ दो, बताओ। नहीं प्लीज, देखिए प्लीज ऐसा मत कीजिए। वो कुत्ते डॉक्टर शिव को काट लेंगे, उनकी कोई गलती नहीं है। देखिए आपकी दुश्मनी ना हमारे साथ है, हम जो करना चाहती है कर लीजिए, हम जो चाहती है हम वो करेंगे, लेकिन प्लीज अब प्लीज डॉक्टर शिव को छोड़ दीजिए। प्लीज हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, प्लीज छोड़ दो कुत्तों को। शिव को छोड़ दीजिए, प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए। ये तो बहुत ही बड़ी डिमांड कर दी तुमने मुझसे, क्या करे? आइडिया, तुम चाहती हो ना कि ये कुत्ते शिव पे ना भौंके, उसे ना काटे ना खाए जी। तो तुम कुत्ता बन जाओ। चलो तुम कुत्ता बन जाओ, तो मैं टाइगर को बोलूंगी उन्हें रोक लेने के लिए। टॉमी 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 टॉमी, गुड बॉय गुड बॉय, गुड गर्ल गुड गर्ल गुड गर्ल गुड गर्ल गुड गर्ल, चलो कुत्ता बन जाओ। क्या नहीं बनोगे? कोई बात नहीं, ठीक है, तो मैं टाइगर से कह के वो डाली ही कटवा देती हूँ। प्लीज 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 मुझे काटना मत, मैंने कुछ नहीं किया। हेल्प, कोई है?
ये डॉगी तो मुझे काट लेंगे, मुझे ईट कर लेंगे। नहीं नहीं प्लीज 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 भूखो मत, मत काटो मुझे। कोई है, हेल्प, बचाओ प्लीज, इन डॉगी को ले जाओ। ये डाली अगर टूट गई तो मैं टॉगी का खाना बन जाऊंगा। टाइगर नहीं, नहीं प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए। अगर दाढ़ी काट दी तो डॉक्टर शिव गिर जाएगी, उन्हें चोट लग जाएगी। प्लीज ऐसा मत कीजिए। आप जो कहेंगे हम करेंगे। प्लीज लेकिन डॉक्टर शिव को उनको चोट मत पहुंचाइए। मजा नहीं आ रहा है, ऐसा लग नहीं रहा है कि तुम कुछ भी कर रही हो। तुम तो बस मेरे सामने बैठी हो। कुछ एक्सप्रेस करो, फील करो, जिससे लगे कि तुम मेरी पेट बनकर मेरे सामने झुकी हुई हो। तुम्हारी वजह से मेरे बेटे के हाथों में हथकड़ी लगी थी। पर मुझे देखो, मैं कितनी अच्छी हूं। तुम्हारे गले में पट्टा नहीं लगाया मैंने, तो कम से कम एक्सप्रेशन तो दो, अच्छे से फील करके तो करो कि तुम मेरी पेट हो। वैसे तो कहते हैं कि कुत्ता इंसान का बेस्ट फ्रेंड होता है, तो अपने चाची सास की बेस्ट फ्रेंड तो बनो। चलो कम ऑन, टमी 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 टमी। ठीक है फिर, मैं टाइगर को बोल देती हूँ। अंकल इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर, प्लीज मुझे बचा लो, ये डॉगी मुझे खा जाएंगे। टाइगर स्टॉप इट। थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू, थैंक यू। अरे ओ राजा बाबू, तनिक नीचे आओ, मैं हूं ना, कुछ नहीं होने दूंगा, आम भी दूंगा आम। अच्छा अच्छा अच्छा, डॉगी शांत हो गया, अब काटेगा नहीं। अच्छा 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 अच्छा, ओके अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। क्या बात है। अच्छा अच्छा अंकल, अच्छा मैंने आम नहीं तोड़ी, आई एम सॉरी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने गलती तो की। मैंने गलती की, मुझसे गलती हो गया। अंधेरा, अंधेरा आंटी प्लीज प्लीज उसे बोलिए रुकिए, कितने थप्पड़ लगा रहे हैं वो, प्लीज रोकिए उसे,
कितने थप्पड़ मारे थे तुमने मुझे? एक, या दो? भगवान, इस मेरी मनोरमा ये सारी तेरी गलती है, तेरी तेरी परवरिश की गलती। झूठ बोला तू? नहीं नहीं, हमने झूठ नहीं बोला, हम अपने दोस्तों से ही मिलने गए थे। उसके बाद हम कोयल जी से मिले चाय की टपरी पर। तो मुझे बताया क्यों नहीं तूने? अरे माँ, हम दिन भर उनसे बातें करते रहते, बल्कि इतनी बातें करते रहे, हमें तो हिसाब ही नहीं रहता कि अभी दिन है कि अभी रात है। पर माँ, हम एक हिसाब नहीं भूले कि उसके परिवार ने हमारी बहनों के साथ क्या किया है। और हमको याद है हमारा मिशन क्या है। क्या है तेरा मिशन? कोयल जी को पटाना, उन्हें प्यार में डालना और खुद उनके प्यार में नहीं पड़ना। और क्यों पटाना है? ताकि वो भीषण की तरह हमारी टीम में आ सके, मंदिरा के खिलाफ हमारा हथियार बन सके और उस मंदिरा की लंका की सारे राज हमें बता सके, ताकि हम मंदिरा की पापों की नाभि में तीर मार सके, उसे हरा सके। सब बस, पर तू सच बोल रहे ने? हाँ माँ। खा तेरे पापा की कसम। अरे अरे माँ, हम सच ही कह रहे हैं। क्यों झूठ बोलेगा? अरे सच बोला, मेरा बेटा है। अगर वो प्यार के रहता ना तो आज व्रत रखता, पता है तुमको? व्रत? वर्मा, भूल गए तू? अगर हम व्रत नहीं किए होते तो तुम्हारे जीवन में आते क्या? अरे तुम्ही को पाने के लिए तो व्रत किए थे। अरे हमारा बेटा अगर उस लड़की से प्रेम किया होता तो आज व्रत तक नहीं रखता। व्रत? मेरा बेटा कोई प्यार व्यार नहीं कर रहा उस कागड़ी से। अरे तो सिर्फ अटखेलियां कर रहा है मिशन सत्य और रिमझिम के हिसाब से। हाँ समझो। तो ऐसा कौन सा व्रत होता है? भूल जाती हो तुम एकदम। अच्छा अच्छा, वो भूल ही गई मैं। तो प्यार को पाने के लिए व्रत करना पड़ता है। देखिए, आप हमें जितने थप्पड़ लगाना चाहती है ना लगा लीजिए, जितना मारना चाहती है मार लीजिए, लेकिन प्लीज डॉक्टर शिव को छोड़ दीजिए। हम आपके कदमों में पड़े रहेंगे, लेकिन प्लीज छोड़ दीजिए। शक्ति बेटा, कैसी बातें कर रही हो शक्ति? मैं तुम्हें क्यों मारूंगी? तुम्हें मार मार के मैं अपने हाथ क्यों गंदे करूंगी? मेरे हाथ भी तो दुखेंगे। तुम खुद को थप्पड़ मारो। जब तक तुम अपने आप को थप्पड़ मारती रहोगी तब तक टाइगर शिव कुछ नहीं करेगा। मार, कम ऑन। तुमने मेरे बेटे को जेल भिजवाया था ना, उसे पिटवाया था ना, उन सबका हिसाब चाहिए मुझे। मारो अपने आप को, मारो। टाइगर, ले जाओ उसे। छोड़ो 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 राजा बाबू, प्लीज। नहीं, ये डॉक्टर शिव को कुछ मत कीजिए। उनका दिमाग बच्चों जैसा है, उनकी कोई गलती नहीं है। प्लीज प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए। वो तो तुम पे डिपेंड करता है,
अब तुम क्या करोगी क्या नहीं उसी पे सब कुछ डिपेंड करेगा। शक्ति तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, सब कुछ, मुझसे मेरा हॉस्पिटल, मेरा बिजनेस, मेरा बेटा, मेरा परिवार, सबको तुमने मेरे अगेंस्ट कर दिया। मेरी कुर्सी हिलाने की कोशिश की तुमने, मेरी, अब तुम मेरा सब कुछ मुझे वापस दोगी। परिवार के सारे लोगों को जिनको तुमने मेरे खिलाफ किया है उन्हें मेरी टीम में वापस लाओगी। तुम्हें उन्हें विश्वास दिलाना होगा कि तुम बुरी हो और मैं अच्छी, तुम गलत हो और मैं सही। जो मेरी इमेज खराब कर दी ना तुमने, उसे व्हाइट वॉश भी तुम्हें ही करना होगा। जो मेरा राजपाट छीन लिया ना तुमने, वो तुम मुझे वापस दिलाओगी।